जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 11 विश्वरूप समदर्शन योग श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यधिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को अर्जुन के साथ विश्वरूप समदर्शन योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन अब तुम इन द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, जयद्रथ, कर्ण और सभी युद्ध नायकों को मार डालो जो पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, जो पहले से ही मेरी इच्छा के द्वारा मारे गए हैं। अर्जुन डरो मत, बस लड़ो, तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करोगे। पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण परमात्मा से एक प्रश्न पूछा, हे कृष्ण मैं इन भीष्म, द्रोण और इन सभी नायकों को कैसे मार सकता हूं। अब श्री कृष्ण परमात्मा उत्तर दे रहे हैं, हे अर्जुन चूंकि उन्होंने गलती की थी, चूंकि मैंने उन्हें मारने का फैसला किया था और चूंकि वे पहले से ही मेरी इच्छा से मारे गए हैं, अब तुम आगे बढ़ो और इन्हें मार डालो। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को उसके कर्तव्यों का उचित पालन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का ध्यान करते हुए हमें भी अपने कर्तव्यों का उचित पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमद् नारायण की शरण में आकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए हमें श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयास करना चाहिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यधिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं, मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए, कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन्नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन्नारायण जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन,
हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन्नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द मां सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं, मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद् गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की, मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन्नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन्नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, जय श्रीमन्नारायण। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यधिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। ओम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यधिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से विशेष अनुरोध, हम अपने जीवन में सभी चीजों में तत्काल और सफल परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आइए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायणस्त्रम का पाठ करें। नारायणस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.narayanastram.org, और रजिस्ट्रेशन में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर आपको नारायणस्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इनमें से तीन को एक साथ मिलकर नारायणस्त्रम कहा जाता है। हर किसी को इन श्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है। जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रतिदिन अपने नारायणस्त्रम को पढ़ते या सुनते हैं, संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद् भगवद गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पारायण की 24 माला प्रतिदिन पूर्ण होती है। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाएं और अपना नारायणस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।